सूर्या कुमार यादव घेर बदल गया, घेर बदल गया, घर चलो बेटा, बच्चे हो, बच्चे हो, बच्चे हो। पाकिस्तान बता देगा इंडिया के कौन बाप है और कौन बेटा है। पहले भी हम बता चुके हैं इंडिया को कौन बाप है और कौन बेटा है। डरने नहीं है, पाकिस्तान डरती नहीं है। ये बात यूएसए के खिलाफ क्या कर दिया? कोई बात नहीं होता इंशाल्लाह, वो तो 9 जून को पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आपके सामने हराया, 2021 में हराया नहीं हमने इंडिया को, और आराम से हराया, कोई मुश्किल टीम नहीं है। इस ऑस्ट्रेलिया ने कहा था ना कि दे हैव टू पे द प्राइस। जीत रहा है पाकिस्तान बेटा, ये तुम हर बार बोलती हो पाकिस्तान, फिर बाद में मूड लटक रहे होते हैं तुम्हारे। नहीं नहीं, पाकिस्तान इस बार ही जीतेगा इंशाल्लाह। 9 जून को हो रहा है इंडिया के खिलाफ, सिर्फ वो जीत जाए। मैं कहता हूँ सारे गुनाह माफ इनको, सारी चीजें माफ इनको, अमेरिका की हार। झूठ बोल रहा है, इंडिया के साथ जीते। इंडिया यार, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला आज। आप वो दुखी बंदे को दिखाओ जरा भाई, जरा दुखी आत्मा को दिखाओ। आप किसकी वजह से मैच हार रहे हो? आप जरा प्लेयर का नाम बता दो किसकी वजह से हार रहे हो। मैं बताता हूं, इन दोनों को चाहिए था फास्ट खेले यार। ये इफ्तिखार क्या है बंदा, इफ्तिखार को निकाल दो यार टीम से। अब क्या निकालना ही पड़ेगा। है भाई, किसकी बात है, मैं जा रहे बैटिंग लाइन को समझ नहीं आ रहा। बस बस यार, होता है बैटिंग लाइन है क्या चीज, आप क्या कर रहे हो, किस उस पे लेके जा रहे इफ्तिखार को, ये बताएं आप भाई। खैर हो गई, आप इतना स्लो खेल रहे हैं, बस हमारा टॉप इफ्तिखार, इफ्तिखार हो गया। और जी और जी और जी बॉल, और जी हार गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया यार, पाकिस्तान हो भाई, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, 120 करने के बाद भी पाकिस्तान नहीं जीत पाया। दूर बैठे हो लख लाना ऐसी टीम के ऊपर। सर सर ख्वाजा सुना ले, ख्वाजा सुना ले, ख्वाजा सर 5 नंबर, ये लानत 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 जनाब, हर बंदा जो है वो लानत भेज रहा है, हर बंदा जो है वो लानत भेज रहा है। सर क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस गंदी हार के ऊपर? हमें तो आदत हो गई इन्होंने जीतना कब है जी, आदत हो चुकी है हमें पाकिस्तानियों को हारने की। सर आप क्या कहेंगे? आपको मैंने कहा था मैं रोटी खिलाऊंगा। आप दोस्ती यारी निभा रहे हैं, और ये पाकिस्तान की टीम है या दोस्ती यारी की टीम है? इसमें सबसे ज्यादा पता चलता है कि आपने एक इनफॉर्म प्लेयर उसामा को आप स्क्वाड में तो लेके जाते, लेके नहीं गए कि आपके पास ऑप्शन ही ना रहे। फिर आप आ जाइए इमाद वसीम, आज इमाद वसीम ने क्या किया, ट्राई नहीं किया, एफर्ट ही नहीं की, जो शाहिद भाई कह रहे हैं कि रिजवान के आउट होने के बाद भी मौका था, वो वहां से इमाद लेके जा सकते थे। इफ्तिखार को इतनी फुल टॉस से मिली, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं कभी किसी प्लेयर के लिए नहीं कहता कि इसका चैप्टर खत्म होना चाहिए। खोलने के लिए ना, एक आंख खोलने के लिए एक जुमला और कहूंगा प्लीज, अब्रार का क्या मुजस्मा बनाने के लिए लेके गए? हाँ। ने भरोसा आप, नहीं आपने कोई मैच ही नहीं दिया उसको, एक मैच नहीं वो दिया। उनके कबीले का नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है, वो बात है, दोस्त नहीं है। देखिए ये टीम, मैं फिर कहूंगा इस टीम में पॉलिटिक्स है, इस टीम में ग्रुपिंग है, ये एक दूसरे को ही पसंद नहीं करते। जो 6 महीने पहले बैठ के एक दूसरे की बुराइयां कर रहे थे वो आज टीम में साथ है, तो माहौल कैसे अच्छा होगा। हाँ। तो ये इनकी नियत ठीक नहीं है, वरना ये तो जिन्होंने बाबर को कप्तानी से हटाया था उन्होंने दोबारा रखा है। जी जी, पहले तो सवाल उनसे बनता है, बिल्कुल उनसे सवाल बनता है। और पहले बात ये थी कि पाकिस्तान टीम हारती थी तब भी आपको लगता था कि टीम एक पेज पे है, आज ये एक पेज पे नहीं है जो आपको नजर आ रहा है। सब अपने लिए खेल रहे हैं, सब ये चाह रहे हैं कि बस मेरी सी बात है, बड़ा आपको सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया, लेकिन जो ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रेड है ना, मैं किसी को नहीं क्रिटिसाइज करने वाला, मैं किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला, मैं किसी को नहीं क्रिटिसाइज करने वाला, मैं करूंगा आपसे सवाल। आज जो पाकिस्तानी टीम का हाल है, इसके जिम्मेदार हमेशा कैप्टन होगा, पहले भी कैप्टन थे, आज भी कैप्टन है। किसने कहा था शदाब को टीम में रखो, किसने कहा था इफ्तिखार को टीम में रखो? दोस्ती यारी इंपॉर्टेंट थी, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं था, ट्रॉफी इंपॉर्टेंट नहीं था। हम यहाँ पे पागल बैठे हुए हैं,
हम यहाँ पे क्या हमारे दिमाग में पागल, वैसे तो हमारे मुंह में पागल ही लिखा हुआ जो उनको बार बार सपोर्ट करते हैं, पागल है भाई। बता दो नहीं मतलब कि यार दुल्ला भाई मतलब 2021 2022 2023 इंडिया के अंदर 2024 अब इतने वर्ल्ड कप किसी कैप्टन को एक साथ ही मिले इनके खिलाफ ना इंक्वायरियां होनी चाहिए, इनके खिलाफ केस खुलने चाहिए, इनके खिलाफ मैं तो पर्चे होने चाहिए कि भाई इनको पता लगे कि हमें कोई पूछने वाला है। इनको असल में कोई पूछने वाला नहीं है, ये 2-3 महीने की बात होती है, ये लोग फिर वापस आ जाते हैं, यही टीम होती है फिर आपको इसको सर पे चढ़ा लेते हैं, यही टीम होती है फिर ये आपके लाख रुपए और भाई हमारे पास फालतू के पैसे है। मेरा सवाल ये है आज अपने लिए खेल लेते रिटायरमेंट से वापस लेके आए मोहम्मद आमिर को, रिमाद वसीम को, उन तमाम लड़कों के साथ आपने ज्यादती की जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बना रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं, आपने उनके साथ बुरी तरह ज्यादती कर दी और उन दोनों को आप रिटायरमेंट से वापस लाए, क्या नतीजा निकला आज? रिमाद वसीम क्या भागा नहीं जा रहा था उससे? मतलब आपकी सिलेक्शन कमेटी का आपकी सिलेक्शन कमेटी का एफर्ट की ना बॉन्ड लेकिन इफ्तिखार नहीं कर मतलब ये मुझे रोल इफ्तिखार का नहीं है क्या? मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मसला ये है कि हर किसी के लिए डिफरेंट रूल बनाए हुए हैं, हर किसी के लिए डिफरेंट रूल है। इस वर्ल्ड कप की नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ पिछले 4-5 साल से ये जो चलता हुआ आ रहा है, ये 4-5 साल से चलता हुआ आ रहा है। मैं इस ड्रेसिंग रूम में, इस टीम में 14-15 साल ऐसे नहीं खेला और मैं ये साबित कर सकता हूँ इससे ज्यादा यारी दोस्ती मैंने नहीं देखी। हमारे टाइम पे भी होती थी 2-3 मैच 4 मिल जाएंगे, 20-20 मैच नहीं मिलते थे। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अपने ग्रिफ्ट में की हुई है, क्रिकेट से बड़े बने हुए हैं, प्रोसेस का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयरों का अपनी ईगो की वजह से। ये उमर दिन... ना आ जाए, अहमद शहजाद ना आ जाए, वो ना आ जाए, नियाजी ना आ जाए, साहिबजादा फरहान ना आ जाए, हसीबुल्ला ना आ जाए, इनका क्या कसूर है जो बाकी खेल रहे हैं डोमेस्टिक? और छाए में अगर आपसे अगर 120 बॉलों पे 120 रन चाहिए, आपसे रन अ बॉल नहीं बन रहा, आपसे फुल टॉस पे शॉट नहीं लग रहे, तो फिर ये कोई अब मैं जुमला को निकल जाए ये फजूल बात हो गई, फिर आप पिच को तो कसूर फिर हम में बसते हैं ना। इन पाकिस्तान लूज द मैच, पाकिस्तान ये देखें, ये जरा वो देखें, क्या तासुरात है भाई, क्या तासुरात है यार, गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर। यूएसए से हार गए जूनियर इंडिया की टीम से, उसके बाद सीनियर इंडिया से भी हार गए यार। 120 रन टिप टिप भी करते तो जीत सकते थे ये, क्या ये खेल जीत सकते थे यार? खेल लोग कहते हैं गेम में ये चलता रहता है यार, कहाँ चलते यार, ये इमोशंस होते हैं, अपने इमोशंस लेके टाइम लेके संडे को ऑफिस से छुट्टी मिलती है, अपनी छुट्टी वेस्ट कर दी इनके पीछे यार। लड़का वाकई में बड़ा इमोशनल है, इमोशनल हो गया यार, क्या कहना चाहोगे? बॉलर्स ने इतना अच्छा यार, हमारे ने अच्छा कर दिया, बैटर्स 120 रन बना सकते थे यार, 120 रन भी नहीं बना पाए। टोटल वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के साथ 8 मुकाबले हुए जिसमें इंडिया ये 6वां जीत गया, हम सिर्फ 2 मैच जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस एक जीते हुए हैं बस 2021 वाला। हां जी, हम बस दो जीते हुए हैं भाई, 6 जीत गए वो, अब दोबारा से जीते हुए हैं। हाँ जी, वो 6 जीते हुए हैं बस, सिर्फ 1 जीते हुए यार, मैं गलत हूँ मतलब कि सिर्फ 1 मैच जीते यार, तो वो तो फिर भाई खेलने आते हैं वाकई में, खेलने आते। ये कौन बेचारी पता नहीं कैसे खाना पीना पूरा करती है और ये आप लोगों के खर्चे बढ़ती है और आपको 60-60 लाख रुपए ले रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट का जरिया एक ही मुल्क के अंदर क्रिकेट है, जो हमारा लोअर तबका जो इस चीज से एंजॉयमेंट लेता है वो क्रिकेट है, सारे क्रिकेट के ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है, मैं इन पागलों में से जो पागल बाबर अली भाई कह रहे हैं अपना नाम हटवा चुका हूँ, मुझे भी पता है, उसको भी सर पता है, हटवा लो आप जरूरी बात। आप जिसको कहते हैं ऑन कैमरा नहीं होते, आप कितना रोते हैं उस पाकिस्तानी टीम सर, लेकिन सिंपल चीज है, इस टीम के साथ सपोर्ट लगा के हमेशा मैंने अपने आप को ना मेंटल ट्रॉमा दिया, मेंटल टॉर्चर दिया। अभी ऑफिशियल न्यूज देने दीजिए, ऑफिशियल न्यूज मैं आपको देना चाहता हूँ। ऑफिशियल न्यूज ये है कि ये जो वो ट्रॉफी किधर गई है, ये जो ट्रॉफी का ख्वाब था, इस ट्रॉफी का जो ख्वाब था, ये हमारे नसीब के अंदर ट्रॉफी ना कभी लिखी है, ना हमें ये कभी ट्रॉफी मिलेगी, ये हम सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की ट्रॉफियां लेके अपने स्टूडियो में रख सकते हैं, हमारे नसीब के अंदर ओरिजिनल ट्रॉफी नहीं आने वाली। आज फिर से पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इतना गंदा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप आज तक नहीं रहा जितना वर्ल्ड कप पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये वर्ल्ड कप रहा है। पाकिस्तान ऑफिशियली तौर के ऊपर इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। जब आप यूएसए से हारोगे, जब आप इंडिया से हारोगे,
हारोगे तो यही एशिया कप से लेके अभी तक हार रहे हैं। एशिया कप से बाप बेटे का मुकाबला था, आज पता लग रहा था कौन बाप है कौन बेटा। 10 रन 12 रन से हारे सर, 120 कोई रन था, 120 भी हम क्या नहीं चेस कर पाएंगे। इससे भी तो 120 हुआ है ना, तो सर चेस तो हम कर लेते ना। चेस नहीं हुआ तो क्या हुआ सर, क्या कहेंगे सर। इधर पाकिस्तानी टीम नहीं चलनी थी, इधर चलनी थी शुभ शुभ वाली सरकार, उनका दम चलना था इधर और कुछ नहीं चलना। यार यार इंतहाई दिल टूटा है, इंतहाई दिल टूटा आज के मैच के ऊपर कि भाई इतना छोटा टारगेट करके आप जो है वो चेस नहीं कर पाए, और आपने बता दिया कि बाप जो है वो वाकई जो है वो इंडिया है। अभी बाकी हम आपसे पूछते हैं कि भाई उनके क्या जज्बात है, वो क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे आज के मैच के ऊपर। यार इतनी एंड तक यार यार जरा अब मैं इनको क्या कहूँ यार, हम लोग 9 मई का इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, जब सारे लोग आउट, जब इंडिया की टीम आउट हुई फिर हमारे फिर दिल में ख्याल आया कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बन गए हैं, लेकिन यार इन्होंने बैटिंग में पता नहीं क्या किया यार, मेरा सर दर्द हो रहा है, आंखों में है आंसू आ रहे थे यार। चले जी, हर बंदे का जो है वो दिल टूटा हुआ है, हर बंदे का दिल टूटा हुआ है कि भाई हमारे पाकिस्तान ने किया तो किया क्या, आखिर परफॉर्म क्या किया, बॉलिंग में परफॉर्म कर लिया तो बाकी जो है वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं। सर इंतहाई घटिया हरकत, क्या कहेंगे सर आज के मैच के ऊपर। बस यार सर बहुत गंदा खेला, नाले तीन सौ अगर इस बैटर की जगह बॉलर को खिला रहे थे वो बेहतर था। अगर